नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। रेलवे टिकटों में घोटाला करना अपराधियों के लिए कोई नया काम नहीं है। इस काम से उन्होंने लाखों करोड़ों कमाए। इस चक्कर में आम आदमी सिर्फ लुटता ही नजर आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर अब इन अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। एक एक करके रेलवे पुलिस हैकरों को पकड़ रही है जो रेलवे की टिकटों में घोटाला किया करते थे। और ऐसा ही एक गैंग को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी संपत्ति जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस्ती पुलिस और RPF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। रेलवे टिकट हैकर के मास्टरमाइंड हामिद के पिता जमीरुल और साथी योगेंद्र को पुलिस ने अरेस्ट किया है। गैंग के सरगना हामिद को ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 12 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुंबई के अहमदनगर में 2 करोड़ कीमत का प्लॉट, थाने में 1 करोड़ का फ्लैट, बस्ती के कप्तानगंज में 3 करोड़ की MSD मॉल, 60 लाख के बॉन्ड पेपर, 18 खातों में 30 लाख रुपए जब्त हुए हैं। इसके अलावा एक कार, लैपटॉप और 6 मोबाइल भी बरामद हुई है। अब तक हामिद गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड अशरफ अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। नेपाल में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। अब UP पुलिस एक्शन में आ गई है तो वो अब जल्दी ही पकड़ा जाएगा। आपको बताते, 27 अप्रैल 2016 की रात में CBI बेंगलोर की टीम ने हामिद के पुरानी बस्ती के ठिकाने पर छापेमारी कर उसको अरेस्ट किया था। बाद में हामिद जमानत पर बाहर आ गया। कुछ साल शांत रहने के बाद फिर से अपने पुराने काम, रेलवे की साइट को हैक करके टिकट बनाने लगा। इसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद ये फरार चल रहा है। इसके नेपाल में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, हामिद हाई स्कूल पास है। उसने रेलवे रिजर्वेशन ई टिकट को बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर का नाम है रेड मिर्ची रखा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेलवे के तत्काल टिकट को रेलवे की साइट से खुलते ही हैक कर बुक कर लिया जाता था। हामिद ने इस सॉफ्टवेयर को देश के कई राज्यों में एजेंटों के द्वारा बेचा और उसका कंट्रोल लॉगिन अपने हैंडल में रखता था। इसके एवज में एजेंटों द्वारा टिकट की बुकिंग पर कमीशन और सॉफ्टवेयर के लिए महीना तय किया गया था। इन नेटवर्क से हामिद ने करोड़ों की काली कमाई की। बहरहाल, इस नेटवर्क को तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है और धीरे धीरे सब पकड़े जा रहे हैं। अब यूपी में योगी की सरकार है तो ऐसे गंदे काम कहां होने वाले हैं। धीरे धीरे करके सब पकड़े जाएंगे और सबके राज ऐसे ही खुलेंगे। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।